बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल्ली अप अपडेट में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी के भी मोबाइल में बिना लॉक खोले उसके फंक्शंस में कैसे जाएं। जैसे कि आप किसी के मोबाइल के व्हाट्सएप को देखना चाहते हैं, या फिर उसकी गैलरी में जाकर देखना चाहते हैं, या फिर उसके ब्राउज़र जो भी और जो भी एप्लीकेशन हैं उसके मोबाइल में, किसी भी एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं लेकिन उसके मोबाइल में लॉक होता है, आप नहीं जा पाते। तो दोस्तों अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप उसके मोबाइल के किसी भी फंक्शंस में जा सकते हैं या किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें कि जिससे हमारे नए अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम इस चैनल से नए नए एप्लीकेशंस की वीडियो अपलोड करते रहते हैं और साथ ही जॉब से संबंधित अपडेट भी यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों टेक एंड जॉब से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आपका बिना वक्त वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये करना बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ आपको टाइप करना है फाइल, और उसके बाद में दो डॉट लगाने हैं, फिर ये तीन स्लैश एसडी कार्ड। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना है और टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेंगे। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, फाइल, फिर ये दो डॉट लगाने हैं, फिर उसके बाद में ये तीन स्लैश, उसके बाद में आपको टाइप करना है एसडी कार्ड। टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो उसके मोबाइल में मौजूद हैं, जो भी उसके मोबाइल में फंक्शंस हैं या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। अब आपको जैसा कि उसके मोबाइल के यहाँ पर देखना है कि वो किस तरह की वीडियो देखता है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ओपन कर लेंगे, वो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जो उसके मोबाइल में होंगी, जो उसने डाउनलोड की हुई हैं या जो जो उसके एमएक्स प्लेयर में है, वो आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपको जो भी देखना है यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और आपको यहाँ पर दिखा दूँ, आप जैसा कि व्हाट्सएप में उसके अगर अगर जाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से व्हाट्सएप भी ओपन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। आप उसके व्हाट्सएप की मीडिया देखना चाहते हैं या फिर उसने किस किस को क्या शेयर किया हुआ है, ये यहाँ पर आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था, और कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।